बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप इमेजिन कर लें, एक न्यूज़ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अगर इस वक्त पूरी दुनिया अमन से बैठी हुई है तो शायद समझ लीजिए कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरवक्त कार्रवाई कर दी। अगर वो ना करते तो इस वक्त तक रूस बहुत बड़ा अमरीका पर कोई हमला कर चुका होता, और इतना बड़ा हमला कर चुका होता कि कई ममालिक इस वक्त हाई अलर्ट होते और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट शायद गिर चुकी होती। सूरत हाल क्या पैदा हुई है? सूरत हाल ये पैदा हुई है कि टकर कार्लसन, अमेरिका का जर्नलिस्ट जो अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था, जिसने तारीख का सबसे देखा जाने वाला इंटरव्यू पुतिन का किया, और इस इंटरव्यू ने अगले पिछले तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। और इस इंटरव्यू का इम्पैक्ट इतना बढ़ गया है कि बाइडन का जीतना अब नामुमकिन हो गया। असल में हुआ ये कि ये शख्स गया था मॉस्को 8 दिन के लिए। वहां पर जाकर इसने पुतिन का इंटरव्यू किया, जिसको रोकने के लिए ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि इसके बारे में कहा गया कि किसी सूरत इसको अमेरिका वापस नहीं आने दिया जाएगा। अब हुआ ये कि ये एक जगह पर मॉस्को में एक होटल में ठहरा हुआ था, और उसकी पार्किंग लॉट, ये मनाजिर आप देख सकते हैं, उसकी पार्किंग लॉट के अंदर इसकी गाड़ी थी जहां पर ही इसने बैठकर जाना था और आना था, क्योंकि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूरी इसको सिक्योरिटी दी हुई थी। अब आप इमेजिन कर लीजिए, इस शख्स को जो 4 सीजन होटल में ठहरा हुआ था, इसको पार्किंग लॉट में इसकी गाड़ी के नीचे ये डिवाइस भी आप देख रहे हैं, ये लगाकर इसको मारने की तैयारी थी। और इस मकसद के लिए आप इमेजिन कर ले, इस शख्स को $4,000 दिए गए, 4,000 के तुमने जाकर टकर कार्लसन को मारना है और सिर्फ उसकी गाड़ी के नीचे डिवाइस लगा दो, वो जैसे ही आएगा मार दिया जाएगा। अब उसकी अगर हिंदी जुबान में समझना चाहे तो उसकी जो सुपारी थी वो यूक्रेन में दी गई, और इसके पीछे बैठे हुए थे अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग। बजाय उसने कहा कि मुझे यूक्रेन के अंदर से कहा गया था, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि वो मॉस्को के अंदर अमेरिका का एक सहाफी जो कि यहाँ से होकर सीधा फिर दुबई जाता है, और दुबई में जाकर वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जाता है, पूरी दुनिया के अंदर वो फिरता है, वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एंकर है। आप इमेजिन कर लें कि जिस इंटरव्यू को रुकवाने के लिए अमेरिका और दुनिया की ताकतें सारी इकट्ठी हो गई, उस सहाफी को मॉस्को के अंदर उन्हीं की इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाक के नीचे मारने की तैयारी थी, और ये पहली अटेम्प्ट में ही पकड़ा गया। आप इमेजिन कर लें, अगर देरी हो जाती वहां पर और वो इसको ना पकड़ पाते तो फिर उसके बाद क्या होता? उसके बाद अगर ये मारा जाता वहां पर, तो रूस और पुतिन, जिसने आज एक बयान दिया है, उसने कहा है कि जिस दिन तुम यूक्रेन को नेटो में शामिल करोगे, आंख झपकने का वक्त भी नहीं दूंगा और मैं हमला कर दूंगा। उसने कहा ये बड़ी दूर की बात है कि तुम अपनी आई ब्लिंक कर लो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि दुनिया के नक्शे तुम्हें हटाया कैसे जाते। उसने कहा फिर इसके बाद दुनिया जिस जंग की तरफ जाएगी, ना वो फिर हम जीतेंगे, ना आप जीतेंगे, कोई भी नहीं जीतेगा, वो बस तबाही होगी और इसमें जीतेगा कोई नहीं। हाँ, इसमें हारेंगे सारे, लेकिन तुम लोग जो समझ रहे हो कि सिर्फ रूस हारेगा, तुम्हारी गलत फहमी है, फिर तुम सारे हारोगे। क्योंकि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का मतलब है कि इन्होंने इस सारे मामले पर 50 ममालिक चढ़ दौड़े रूस के ऊपर, और नेटो चीफ जैसे घटिया इंसान ने तो ये बात क्लियरली कह दी है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। अब ये शख्स कौन है टकर कार्लसन, जिसके पीछे अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पड़ी? इस शख्स ने कहा कि आप अंदाजा कर लें कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम क्या है, कि दुश्मनों से हमें बचाना। उसने कहा कि मेरे मोबाइल की सारी चीजें हैक करते हैं ये, मेरे मैसेजेस लीक करके इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दिए कि मैं पुतिन का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। अमरीका के अंदर कहा गया कि इसको वापस नहीं आने देना, इसको गिरफ्तार कर, इसको हमेशा के लिए अमरीका से निकाल दे। वो 8 दिन के बाद दोबारा घर गया। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि इतना प्रेशर, अमेरिका कोशिश तो ये करता है कि दुनिया के अंदर सहाफी, यानी अपने ही सहाफियों को मारने के लिए, क्योंकि इस शख्स ने वो सच सामने लेकर आ गया है। पुतिन ने ये बात की, उसने कहा कि दुनिया अगर जंग की तरफ जा रही है, मैं रोकने को तैयार हूँ, आए बैठे बातचीत करें, मेरा क्या कंसर्न है? मेरा कंसर्न ये है कि नेटो में इसको शामिल नहीं करना, क्योंकि प्लान ये है दुनिया का, जो खास तौर पर इसराइल का भी प्लान है कि हमने रूस को नहीं छोड़ना। देखिए हुआ क्या है, गजा के अंदर असल में बहुत बड़ी तादाद के अंदर जखीरा है ऑयल का, गैस का,
नेचुरल ज़खायर है और फलस्तीन पूरे में। इसराइल ने उस पर कब्जा करके वो पूरे का पूरा चाह रहा है कि मैं वहाँ से सारा खजाना निकाल कर उसे निकालना शुरू भी कर दिया है। मैं यूरोप को गैस और ये तमाम चीज़ें सप्लाई करूँ, तेल भी मैं दूँ। अब उसको खतरा ये है कि यूरोप चूंकि रूस से लेता है तो वो रूस की बजाय मेरा मोहताज हो जाए, और मेरा मोहताज हो जाए तो मैं पूरी दुनिया के अंदर राज करूँ। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो एक जंग उन्होंने छिड़वा दी और वो असल में रूस को तबाह करना चाहते थे, फिर उसके बाद उन्होंने चाइना को तबाह करना है। अब प्लान ये हुआ कि इसराइल ने सारी यानी जंग डिज़ाइन की गई अमेरिका के साथ मिलकर, और उन्होंने यूक्रेन के मामले पर कहा जी हम यूक्रेन को शामिल करेंगे नेटो में, और जब नेटो में आ जाएगा, एक दफ़ा आप किसी नेटो में आ जाते हैं तो कोई भी मुल्क पर आप हमला करें तो आप 50 ममालिक मिलकर उसके साथ लड़ाई करते हैं आर्टिकल 5 के तहत। तो इनका प्लान ये था कि फौरी तौर पर हम रूस के साथ एक जंग छेड़ देंगे और 50 ममालिक लड़ेंगे। अब रूस ने उसके बाद जंग छेड़ दी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसराइल असल में चाह रहा था कि लड़ाई हो और उसके बाद तबाही हो। अब 2-3 साल से किसी ने पुतिन का इंटरव्यू नहीं किया, किसी अमेरिकन वेस्ट के जर्नलिस्ट को इजाज़त नहीं थी, और दुनिया के अंदर बाकी अमेरिका और इनकी ताकतें ऐसी थी कि कोई करने के लिए गया नहीं, ना भारत से कोई गया ना कहीं और से। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि रूस जब बात करते उनके चैनल सारे इन्होंने बैन कर दिए। ये बंदा पहले इंटरव्यू करने के लिए जाने लगा था, ये 3 साल से कोशिश कर रहा था, इसको जाने नहीं दिया, और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अब ये चकमा देकर इंटेलिजेंस एजेंसियों को किसी मुल्क गया और आगे से वहाँ से होता होता तो किसी तरह मॉस्को चला गया। इसे बिलक बिना पढ़ने दी। अब इस सूरत हाल के अंदर जब ये मॉस्को पहुँचा, उसने जाकर ब्रिटेन का इंटरव्यू किया, उसने बताया कि अमरीकी क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या तबाही हो रही है वहाँ पर। उसने कहा ये तो जंगे चाह रहे हैं, ये तो मैं तो लड़ाई करने के लिए तैयार, दुनिया में बताया जाता है नहीं पुतिन ने लोग मारे। अब उसने जब ये चीज़ें क्लियर की कि भाई गजा के अंदर आप देखिए क्या हाल हो रहा है वहाँ पर, यानी हमें जो कहा जाता है मारे, जो वहाँ पर इसराइल कह रहा है, अब आप किसी को दुनिया को नज़र नहीं आता, वो सारे का सारा उसने पर्दे हटा दिए। अब उसके पर्दे हटाने के बाद अमरीका के अंदर इतना शदीद गुस्सा है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उनके लोगों, उन्होंने इसका इंटरव्यू रोकना था। अब उन्होंने प्लान क्या किया कि इसको मॉस्को में ही मरवा देते हैं कि ये वापस ना आए, और ना वो कह रहे थे हम किस पर लगाएंगे, हम ये कह देंगे कि रूस ने खुद करवाया है, और रूस ने जब खुद करवाया है लिहाजा देखो ये मुल्क बिल्कुल ठीक नहीं है, ये नाम अमेरिका, यानी बहुत सारी चीज़ें। इमेजिन कीजिए एक मिनट के लिए ये बंदा मारा जाता तो पुतिन अब तक मिसाइल मार चुका होता, साइबर हमले हो चुके होते हैं वो अमरीका पर, यूरोप पर, न जाने किस किस पर। देखिए इस सारी सूरत हाल में जो बंदा पकड़ा गया ये कोई कच्चा चोर था, ये कौन था? जाहिर सी बात है जिन्होंने इसको दिया टास्क करने के लिए उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी, ये किसी को भी नहीं पता था कि टकर कार्लसन कहाँ पर ठहरा हुआ है। जाहिर सी बात है जब एक बंदा आया, मेहमान है आपका, तो आपने उसको पार्किंग लॉट में लेकर जाना है, तो इंटेलिजेंस इदारों के भी लोग हैं वो क्लियर करते हैं। आप जानते हैं कि पुतिन एक ऐसा शख्स है जिसको मारने के लिए दुनिया के 90 ममालिक में प्लानिंग हुई और वह नहीं मार सके इसको, हत्ता कि वो जो अपना पखाना है उसको भी वो बचा कर रखते हैं कि उसकी हेल्थ के बारे में ना पता करें। उसके जितने गार्ड्स हैं तमाम लोग हैं वो वक्तन फवक्तन चेंज होते रहते हैं, खाना वो कोई खाता है तो 3 दफ़ा टेस्ट होता है, यानी आप अंदाज़ा कर ले डॉक्टर्स भी वहाँ पर है, वो खुद टेस्ट करते हैं। इस लेवल पर जाकर उसकी सिक्योरिटी थी। अमरीका ने तो कहा हमने इसको छोड़ना नहीं है, तो वो अपना बंदा मारने देते, अपना मेहमान छोड़ते वो। अब इस सूरत हाल में इन्होंने वहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दी कि टकर कार्लसन यहाँ पर रह रहा है, इतने बजे आएगा, जाहिर सी बात है ये दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका के अलावा तो कोई कर नहीं सकता, और यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, तो उन्होंने इसकी जो सुपारी थी, इसको मारने का जो प्लान था, वो यूक्रेन से ऑर्डर दिया। अब उसको रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पकड़ लिया और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया कि असल में ये बंदा काम कर रहा था, ये ऐसे था, फलाना था। अब इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हैं कि एक इवेंट सिर्फ चाहिए आपको, एक छोटा सा इवेंट चाहिए आपको कि आप ये काम कर ले, और उसके बाद आप देखिए कि दुनिया के अंदर क्या तबाही मचती है। अब यहाँ पर इस सारे मामले पर सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि रूस को बड़ा गुस्सा है, दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि अमरीका अपने ही साफियों को, अपने लोगों को मरवा रहा है, और वो भी रूस के अंदर बैठ कर। अगर ये कार्रवाई हो जाती तो देखिए, याद रखिए, अगर इस लेवल की कार्रवाई हो जाती है कि शख्स के साथ सिक्योरिटी है, तो कल को पुतिन को भी वो उड़ा सकते थे, और ये बात बड़ी अहम होती है अमेरिका के लिए।
अब सोचिए एक मिनट के लिए काम करता तो उधर से उसने मिसाइल दाग देने थे, उसने नहीं परवाह करनी थी क्या हुआ क्या नहीं, और उसने छोड़ना नहीं था। जिसने आज ये बात कह दी है कि तुम्हें आंख पलकने झपकने का टाइम जो है वो भी नहीं दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा ये हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब ये सारे मिलकर एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहे हैं कि शायद हम लोग उस जंग के बाद इस दुनिया का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाएगा। देखिए इन्होंने प्लान पूरा कर लिया है, यूक्रेन असल में हाथ से निकल रहा है इनके, और यूक्रेन हाथ से निकलने से पहले नेटो का चीफ ये कहता है कि अगर वो हाथ से निकल गया तो फिर चाइना ताइवान को भी नहीं छोड़ेगा, तो लिहाजा हमें अब काम ये करना है कि हमें सारे मामले पर किसी तरह ये काम यानी इस लड़ाई को इख्तिताम तक पहुंचाना है और रूस को तबाह करना है, वरना यमन आज हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। यानी उनको ये लग रहा है कि देखिए यमन हम पर हमले पर हमला कर रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो अमरीका को बीट कर रही है, जितनी ये जंग बुरी तरह तबाह होगी, अब अमरीका के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं आम शख्स है वो कहते हैं हो क्या रहा है। जैसे टकर कार्लसन ने एक बात की, उसने कहा कि आप जरा जाकर न्यूयॉर्क की हालत देखें, वहां पर ये रहने वाला मुल्क नहीं है, ना औरतें महफूज है ना लोग है, बाहर से लोग आ रहे हैं तबाह करें हमारे जो यंग जो वाइट अमेरिकन्स हैं, आप जाकर उनका हाल देखें, वो नशे के अंदर डूब रहे। उसने कहा आप जाकर पेरिस का हाल देखें, कौन ये कर रहा है। उसने कहा पूरा बड़ा घर खो गया है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, और एक आम अमेरिकन ये कहता है कि हम इनको टैक्स देते हैं। अब जाहिर सी बात है आपको इतना टैक्स दिया, आप अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर आ गए, दुनिया ने पूछा अच्छा क्या करके आए हो, इन्होंने कहा जी हम अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत गिराई, 22 साल लड़े, अपने फौजी मरवाए, दुनिया में तबाही की, अरबों डॉलर्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद किए, और एंड के ऊपर तालिबान को हुकूमत देकर आ गए। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि तुम शिकस्त खाकर आ गए हो, तो वो जो हथियार हमारे वो जो ड्रोन और फलाना वो उसकी क्या सूरत हाल, कोई जवाब नहीं। यमन के बारे में उन्होंने पूछा कि यमन को तुम सिर्फ इतना बता दो कि यमन एक गरीब सा मुल्क है, वो मिसाइल पर मिसाइल मार रहा है, इतनी सिक्योरिटी उसने तबाह कर दी है, शिप तबाह कर दी है, सब कुछ तबाह कर दिए, तुम्हारे पास क्या क्या कर रहे हो। उसने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हम इनका मुकाबला कैसे करें। अब अमरीकी उठकर ये कह रहे हैं, उधर यमन ने इनको कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल की है कि हम अमरीका के रडार को बीट कर रहे हैं। अब आम अमरीकी ये बात उनसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हें टैक्स इतना देते हैं, तुम्हारा काम था कि तुमने हिफाजत करनी, तुमने दुनिया के अंदर 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे बनाए हुए हैं, इसराइल को तुम सपोर्ट कर रहे हो, वो पूरी दुनिया में बर्बरियत फैला रहा है और पूरा वर्ल्ड तबाह हो रहा है उससे, और दुनिया सारी अमरीका के खिलाफ नफरत से देख रही है, हमारा डॉलर तबाह हो रहा है, सारी की सारी चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं, और अमरीका को अभी तक इस बात की परवाह ही नहीं है कि दुनिया क्या सोच रही है, और दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है, वर्ल्ड के अंदर सुकून नहीं है, बर्बरियत है, बर्बादी है। तो बताओ मेरे टैक्स का पैसा जो जा रहा है वो किस जगह जा रहा है, जंगों में जा रहा है। ये असल में सारी सूरत हाल है, जिस दिल के अंदर इनके नफरत भर जाती है अमेरिकन के, वो फिर उसके बाद निकलती नहीं है। अब वो इनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम जाकर दुनिया के दूसरे ममालिक में हुकूमतें गिरा रहे हो, फलाने की हुकूमत गिरा, फलाने की गिरा, और हमारी हालत ये है कि हम यमन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। अब जब ये बंदा टकर कार्लसन इस तरह के सवालात उठाता है अपने शोज में, और ख़ास तौर पर इन्होंने जाली हमले जो करवाए उसमें उसने एस्टैब्लिशमेंट अमरीका की एजेंसियों का भांडा फोड़ा। देखिए अमरीका के अंदर तो वो इसको मार नहीं सकते थे, जाहिर सी बात है अमरीका में मारते तो सबको पता था कि इल्ज़ाम किस पर, एजेंसियों पर आता, एस्टैब्लिशमेंट पर आता। तो इन्होंने काम ये किया कि चलो अब ये बाहर चला गया तो वहीं पर करेंगे, और जो बारी भी इसकी दी यूक्रेन से कि बात ये होगी कि यूक्रेन का ज़ेलेंस्की इसके पीछे, क्योंकि उसने तो कहा था वहां पर, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि टकर कार्लसन को हम छोड़ेंगे नहीं। यहां से आप अंदाजा कर लें कि किस लेवल की जंगे, यानी ये दुनिया के अंदर एक शख्स ने बिल्कुल ठीक बात की, उसने कहा कि आप सिर्फ एक इवेंट दूर हो दुनिया के अंदर तीसरी जंगे अजीम छेड़ने से, एक इवेंट हो जाए दुनिया में, कोई एक आधा ऐसा काम हो जाए और उसके बाद आप देखिएगा कि दुनिया के अंदर कैसी तबाही आती। अगर ये हो जाता मिसाल के तौर पर तो फिर क्या होता, अगर उसके बाद कोई यानी नेटो के अंदर आप यूक्रेन को शामिल कर लें तो उसके बाद भी जंग है। लिहाजा दुनिया इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है, अंदाज़ा ही नहीं है किसी को कि हम सुबह उठेंगे तो हमें कौन सी बुरी खबर देखने को मिलेगी। आप सिर्फ पिछले 10 सालों में देख लें, हर थोड़े दिन बाद, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंटरनेशनल सतह पर हो, एक के बाद एक बुरी खबर है। और स्पेशली आप अगर पाकिस्तान के हालात देख लें
तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि 25 करोड़ लोगों में से एक शायद कोई आधा बंदा रह जाएगा, क्योंकि तो यार ठीक है मुझे उम्मीद है मुल्क से कोई बेहतरी होगी, वरना मुल्क की 95% से 98% आबादी को कतन कोई ज़रा सी भी परवाह नहीं है, ना उनको अंदाज़ा है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, वो बस बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। इसी तरह पूरी दुनिया की सूरत हाल है। तो इस वक्त जो तबाही दुनिया में आ रही है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।